नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस डीवी नीरज चैनल पर। दोस्तों, एजीटीए से संबंधित सारे विद्यार्थी बहुत परेशान हो रहे हैं। आपको ये खबर पता भी चल गई होगी। एक्चुअली दोस्तों, बहुत सारे काम रहते हैं, उनको ख़त्म करने के बाद जो है हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जो मुझसे बच्चे जुड़े हैं बहुत ही वेट करते हैं कि सर बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको एक चीज़ बता दें, जैसा कि मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि जो एजीटीए की भर्ती आएगी मेरे बच्चों, जो एजीटीए की भर्ती आएगी 2022 से ही आएगी, ये मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूँ, ठीक है। और भर्ती ये 2022 पेट से ही आएगी, ये आप बात मान के चलो। अभी आज के पेपरों में क्या चला मैं पूरा पढ़ के तो नहीं बताऊँगा, सिर्फ मुद्दे की बात बताऊँगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। आपको मानना हो तो मानना, नहीं मानना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं। चलिए देखिए, जो चीज़ जो मुद्दा है वो देख लीजिए। कृषि प्रावधिक भर्ती जल्द शुरू करने के लिए कृषि मंत्री ने जो है आश्वस्त किया है कि जो है एजीटीए की भर्ती बहुत जल्द जो है चालू कर दी जाएगी। हाँ, ये कब तक चालू कर दी जाएगी इस पे थोड़ा चर्चा हम जरूर करेंगे मेरे बच्चों। देख लीजिए प्रयागराज, कृषि प्रावधिक भर्ती जल्द शुरू करने के लिए कृषि मंत्री ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है। एक अभ्यर्थी की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए सवाल जवाब में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि 8-10 दिनों में अभ्यर्थियों को डाटा मिल जाएगा। इन्होंने कहा है 8-10 दिनों में अभ्यर्थियों को डाटा मिल जाएगा और इसके बाद भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आपको पता है कि 906 विद्यार्थियों का डाटा पता था, अब पक्षकार मतलब जो 150 लगभग विद्यार्थियों का डाटा इन्होंने कहा है कि 8-10 दिन में मिल जाएगी, इसके बाद जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, एजीटीए की वैकेंसी स्टार्ट कर दी जाएंगी। ये खुद मंत्री ने कहा है, तो आप सोच लीजिए कि कोई भी मंत्री जो है ऐसे नहीं बात करता है, ठीक है, कि पहले कहे आएगी बाद में कहीं, नहीं, इन्होंने कहा विज्ञापन जारी होगा, तो ये मान के चलिए 2022 पेट से ही जारी होगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। आप बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, और विज्ञापन के साथ ही आपका जो है सिलेबस भी जारी किया जाएगा, इतना आपको पता है। बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी, इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। स्टडी विद नीरज सर, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, स्टडी विद नीरज सर ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, इस पे जो है इसको मैं शेयर कर दूंगा, वहां पूरा पढ़ लेना। मुद्दे की बात यह है कि 8-10 दिन के बाद जो है आपका विज्ञापन जारी होगा, जैसा कि जो है माननीय मंत्री जी ने कहा है। अच्छा, इसके बाद मैं एक और कटिंग अखबार की है, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं तो सोचता हूँ कि भैया जो है कहीं ना कहीं से जो है आपका विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाए, ठीक है। तो ठीक, देखिए इसमें भी, देखिए इसमें भी इन्होंने जो है आश्वासन दिया है मेरे बच्चों की एजीटीए भर्ती जो है बहुत जल्द जारी की जाएगी। देख लीजिए, 3446 पदों पर कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती 2023 के जल्द शुरू होने का आश्वासन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिया है, ठीक है। तो सेम वैसे भी जो है इसमें भी कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया जो है 8-10 दिनों में जो है हम जो है जैसे डाटा मिलेगा उसके बाद जो है आपको जो है हम जल्द से जल्द जो है विज्ञापन जारी करके आपकी भर्ती शुरू कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि जो है इतना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा है, तो देखिए ये चला तो बहुत दिनों से आ रहा है मेरे बच्चों, ये तो सत्य है, चला तो बहुत दिनों से आ रहा है ये तो सत्य है। लेकिन कोई भी मंत्री डायरेक्टली आपको जो है, मेरी बात ध्यान से सुना, कोई भी मंत्री डायरेक्टली आपको जो है मेरे बच्चों नहीं कहेगा कि 8-10 दिनों के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, कुछ तो बात है। तो आप समझ लीजिए कि एजीटीए का विज्ञापन जो है मेरे बच्चों, जो एजीटीए का विज्ञापन अब बहुत जल्दी आने वाला है, 3446 पदों को लेकर जो जानकारी मिली है बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू बना लो, बिल्कुल आप शंका समाधान जो भी है छोड़ दो। आपको पता है जो है मैंने नंबर 7379823368 ये मेरे नंबर हैं, 95-599-40-590 हमने आपको नंबर दिए रखे हैं मेरे बच्चों की। आपको कोई भी समस्या है आप जो है तुरंत आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी है, जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। तो आप निश्चिंत होकर जो है मेरे बच्चों तैयारी में लग जाइए, अगर जीवन में कुछ करना है वैकेंसी आने के बाद ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा।
तो आप लग जाइए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी आपकी तय है 2022 पेट से आएंगी, मैं बराबर बोलता चला आ रहा हूं। कुछ समस्याएं, कुछ कारण हर जगह होते हैं भाई, समस्याएं कहाँ नहीं होती हैं, समस्याएं कठिनाइयां हर जगह होती हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना। और उन समस्याओं से निपटने के लिए आपको जरूरी है कि आप जो है मेहनत करें, आप जो है मेहनत करें, और तभी चीजें जो है सारी क्लियर होंगी। तो आप इतना समझ लीजिए कि बिल्कुल आपको इस बार आर या पार की लड़ाई करना है। और मैं आपको बता दूं, पढ़ाई का जज्बा अपने अंदर बना के रखो, ठीक है? आपको पता है जो है पढ़ाई से ही सब कुछ संभव है, इतना आपको पता है। यही जज्बा रहा हो तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, आपको पता रहा, बता रहा हूं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो का यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरो घबरा, इन अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, जैसा आपको पता है। तो आप मेहनत करिए, अपनी नौकरी लीजिए, वैकेंसी 2022 पेट से आएंगी मेरे बच्चों, ये सत्य है, 100% सत्य है, 100% सत्य है मेरे बच्चों। पढ़ाई करो, समय को ना बर्बाद करो, बस आप समझ लीजिए कि वैकेंसी आपकी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और दूसरी बात, मेरे लगभग 70 वीडियो हो गए हैं ऑनलाइन एजीटीए से संबंधित कृषि के, उनको जरूर देख लो। बाकी यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो एजीटीए से संबंधित पड़े हैं, स्टडी विद नीरज सर चैनल पर आप जाके देख सकते हो दोस्तों, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।